$19,000 और आपने लगाए 12,000 miles, 5,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट और किस्ते भी निकाल दोगे 7,000, फिर भी आपके पास $12,000 बचते हैं। गाइज मैं आया था अभी टिम होटल्स के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, जहाँ पे सारा सामान होता है टिम होटल्स का, कॉफी वगैरह होती है, आइस कैप वगैरह जो भी इनका मटेरियल होता है यहाँ पे होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सारे टिम होटल्स के ट्रक खड़े हुए हैं यहाँ पे, इधर भी टिम होटल्स के ट्रक खड़े हैं, इधर भी टिम होटल्स के ट्रक खड़े हैं, और पीछे सारे टिम होटल्स के ट्रक खड़े हैं, पूरा बड़ा टिम होटल्स का ही है। तो यहाँ पे आया था अभी मैं, और मैंने एक लास्ट वीक एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट डाला था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने पूछा था कि भाई किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है। तो एक ने बंदे ने लिखा था पीआर इन ट्रकिंग, और दूसरे ने लिखा था भाई ओनर ऑपरेटर के बारे में बता दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ओनर ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं पीआर कैसे ले सकते हो आप ट्रकिंग में उस बारे में बताऊंगा। तो जिसको ओनर ऑपरेटर के बारे में जानना है वो इस वीडियो को पूरी देख लेना, सारी चीजें बताने वाला हूँ, उसमें कितना कमाते हैं, कितना बचता है, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं और होते हैं, सारी जो जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, मेक श्योर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो आपसे, क्योंकि ओनर ऑपरेटर वाली चीजें कोई थोड़ी बड़ी होती है, बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, तो ऐसे डिसीजन थोड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ ऊपर से वीडियो मत देखना, कंप्लीट देखना इस वीडियो को। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओनर ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। कनाडा में बैठे हैं उनको अच्छे से पता होता है कि ओनर ऑपरेटर किसको कहते हैं, बट जो इंडिया बैठे हैं अपनी अपनी कंट्री बैठे ना, उनको मे बी आइडिया ना हो ओनर ऑपरेटर किसे कहते हैं। तो देखो ऐसे इंडिया में बोलते ना कि अपना खुद का ट्रक होता है, कंपनी में लगा देते हैं ट्रक और ऐसा होता है, उसको यहाँ पे ओनर ऑपरेटर कहते हैं, जिसका खुद का ट्रक होता है उसको ओनर ऑपरेटर कहते हैं यहाँ पे। और ओनर ऑपरेटर में क्या होता है, देखो सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, क्योंकि एज अ ट्रक ड्राइवर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में और एक खुद का ट्रक चला रहे हो, तो डिफरेंस सैलरी में आएगा। ओके कितना डिफरेंस आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था सैलरी वाले वीडियो में, अगर आप लॉन्ग ड्राइवर हो, मतलब आप लॉन्ग हॉल कर रहे हो और आपका रेट अराउंड 0.55 सेंट के आसपास होता है, ठीक है, एवरेज सेंट बता रहा हूँ, किसी का 70 भी होता है, किसी का 65 भी होता है और किसी का 50 भी होता है, तो मैं एवरेज में 60 पकड़ लो, आपका 60 सेंट होता है आपका एवरेज में, अगर आप लॉन्ग हॉल ड्राइवर हो किसी कंपनी के एज अ ड्राइवर अपॉइंट हो रखे हो, ठीक है। अगर आप ओनर ऑपरेटर हो, आपका खुद का ट्रक है और उसी सेम कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, तो आपका एवरेज जो माइल का रेट होगा ना, वो होगा $1.35 लेकर $1.65 के बीच में, यही रेट होता है मोस्टली सब जगह इसी के बीच में होता है, इससे नीचे जो दे रहा होगा कोई कंपनी का, जो देरी होगी ना ओनर ऑपरेटर उसमें काम नहीं करते। दोबारा बताता हूँ आपको सेंट का क्या फर्क होता है, $1.35 से स्टार्ट होते हैं और $1.65 तक जाते हैं कंपनी ओनर ऑपरेटर को देती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब देखो अब कमाई इसमें कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि कंपनी के पास कितने लोड है, ठीक है, मतलब वो आपको कितनी माइल्स दे सकते हैं महीने के अंदर। एवरेज माइल जो होती है ना, जो ड्राइवर निकालता है, 8,000 से लेकर 12,000 के बीच में होती है। अगर ज्यादा ही कंपनी के पास ज्यादा अच्छा काम है ना, तो 13,000 या 14,000 मैक्स है, 14,000 माइल्स से ज्यादा बंदा नहीं निकाल सकता, अगर एक ड्राइवर खुद ही, एक खुद का ट्रक है, एक ही बंदा चलाने का है, तो भाई वो महीने में 12 से 13 के बीच में निकाल लेगा, पर उससे ऊपर जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, कि इतने आवर्स हमें मिलते नहीं है, हमें हफ्ते के 70 आवर्स मिलते हैं, जो हमारी ड्यूटी होती है ना, टोटल ड्यूटी होती है, तो वो 70 आवर्स की होती है, तो इससे ऊपर जाना काफी डिफिकल्ट है। हाँ टीम में थोड़े ज्यादा माइल्स निकल जाएंगे, बट सिंगल ड्राइवर खुद का ट्रक है, इससे ज्यादा माइल्स निकालना पॉसिबल नहीं है। और जो मैंने आपको माइल्स बता दिया, मैंने आपको माइल पर रेट का हिसाब भी बता दिया, तो आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, कैलकुलेट कर लोगे, तो आपके आगे एक नंबर आएगा, वो सैलरी मिलती है ओनर ऑपरेटर को, ठीक है। चलो मैं आपके लिए वो भी निकाल के देता हूँ आपको, आपको इसलिए भी टेंशन नहीं है, मैं आपको निकाल देता हूँ कितना बनता है, ठीक है। हम एवरेज लेके चलेंगे मिनिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि वो जल्दी से मिलना नहीं है, सबको नहीं मिलेगा, इसलिए तो मैं पहले बताता हूँ, हम निकालते हैं $1.35 के हिसाब से निकालूंगा मैं।
है और माइल निकालूंगा 10,000 माइल निकालते हैं, एवरेज 10,000 माइल रखते हैं, ठीक है। तो 10,000 माइल के हिसाब से 13,500 बने, ठीक है। इससे ज्यादा भी बन सकती है अगर आपका डॉलर का रेट ज्यादा होगा, इससे कम भी बन सकती है अगर आपके माइल्स कम लगेंगे। ये सिर्फ सैलरी थी, ये अप्रोक्स सैलरी थी कि आप अप्रोक्स इतना कमा सकते हो ओनर ऑपरेटर में। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके बाद बहुत चीजें कटनी बाकी है, बहुत चीजें इसमें माइनस होगी, उसके बाद जो बचेगा वो आपको मिलना है, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, हाँ जी गाइज, अब आगे बात करते हैं खर्चों के बारे में। तो गाइज, खर्चों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दो चीज पहले बताता हूँ कि देखो, ओनर ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसका ट्रक खुद का न्यू ट्रक होता है, और एक ट्रक वो होता है जो सस्ता होता है, सेकंड हैंड लिया होता है, और उसमें थोड़े बहुत काम कराने पड़ते हैं और साथ साथ टाइम टू टाइम को रिपेयर कराना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज ये है कि जिसके पास पुराना ट्रक है, ज्यादा पुराना नहीं, मतलब कह सकते हैं कि वो महीने दो महीने में रिपेयर मांगता रहता है, कुछ ना कुछ चीज में रिपेयर आता रहता है ना, तो उसके खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें रिपेयर में कॉस्ट लगेगी, ठीक है। पहले मैं आपको मेंटेनेंस का कॉस्ट समझाता हूँ। ट्रक की रिपेयर यहाँ पे बहुत महंगी होती है, ठीक है। यहाँ पे मेंटेनेंस, कार के पार्ट्स होते हैं या ट्रक के पार्ट्स होते हैं, वो सस्ते आएंगे, वो मतलब वो ठीक रेट पे आएंगे, बट यहाँ पे जो लेबर होती है ना, लेबर बहुत महंगी होती है। तो जो ट्रक का रिपेयर करने का जो मैकेनिक होगा ना, यहाँ पे जो लेबर चार्ज होगी वो ज्यादा होगी, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रक का छोटा मोटा भी काम होगा ना, छोटा सा भी रिपेयर आ गया तो समझ लो $1,200 $1,300 $1,400 कहीं नहीं गए आपके, इजिली लगने हैं। और थोड़ा बड़ा खर्चा आया तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा रिपेयर करने में, तो उसमें आप समझो $4,000-5,000 आपके लग जाएंगे फिर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ट्रक ज्यादा पुराना है ना, तो आपको थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट अलग रखना पड़ता है, ये आपके लगने ही है। ये होगा पहला खर्चा कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट लगना ही लगना है। अगर आपका ट्रक नया है तो आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, ट्रक किस्ते उसकी पकड़ के चलो मिनिमम आज के टाइम इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो, उसके हिसाब से $3,500 से लेकर $4,000 महीने की उसकी इंस्टॉलमेंट होगी। और दूसरा जो खर्चा होता है ना, जो मेन होता है वो होता है फ्यूल का। कंपनी फ्यूल कार्ड देती है, बट उसमें क्या होता है, आपको फ्यूल पे करना पड़ता है मंथ के एंड में। सपोज करो आपकी पे मंथ में मिलती है या बाई वीकली बनती है, तो जब आपको लास्ट चेक देंगे ना, उसमें आपको फ्यूल सारे प्राइजेस वगैरह काट के देंगे। कई कंपनी में क्या हिसाब होता है कि वो आपको फ्यूल कार्ड नहीं देते, आपको खुद से हर बार फ्यूल भराना पड़ता है, तो एक ये होता है। दूसरा खर्चा होता है इंश्योरेंस का, मतलब आपके ट्रक के इंश्योरेंस का होता है। नंबर प्लेट होती है, नंबर प्लेट में खासे ट्रक की कंपनी करती है, वो आपका खर्चा नहीं होता, बट इंश्योरेंस आपको खुद देना पड़ता है। कार्गो का भी इंश्योरेंस होता है, कंपनी का ट्रेलर है तो कंपनी देगी, अगर आपका ट्रेलर है तो आप इंश्योरेंस दोगे उसके। $9,000-10,000 आप बचा लोगे सारे खर्चे काटने के बाद, ठीक है। कमाई ज्यादा होगी तो थोड़े खर्चे भी ज्यादा होंगे। लोड पे भी बताता हूँ आपको कि भाई कई बार ना कंपनी लोड के हिसाब से पैसे देती है आपको, मतलब कि माइल्स पे नहीं देगी, आपको ऐसे पर्टिकुलर अमाउंट बता देगी कि भाई ये लोड का रेट है। जैसे आप एग्जांपल लेके चलो, यहाँ से मॉन्ट्रियल का हो गया, यहाँ से मॉन्ट्रियल का जो यूजुअली रेट होता है ना, वो होता है 900,000 के आसपास
आसपास होता है, ठीक है। $1,000 का रेट है उस लोड के लिए यहाँ से मॉन्ट्रियल, तो आपको $300-$400 का तो तेल लग जाएगा, मतलब फ्यूल डीजल जो लगता है वो लग जाएगा। तो जो बचेंगे ना वो आप अमाउंट है जो आप कमाते हो उस टाइम पे। कई होते हैं ट्रक ऐसे जो कमाने के जगह आपके पैसे खाता रहेगा पर वो पता नहीं चलता क्योंकि आप रिपेयर कराते रहते हो, साथ साथ कमाते रहते हो, पर वो कमाई नहीं करके देता। तो ऐसे ट्रक भी होते हैं यहाँ पे, काफी पुराने होते हैं पर सस्ते होते हैं। तो ये सारे खर्चे थे, उसके बाद जो बचेगा वो आपकी सैलरी होती है। ऑन एवरेज बंदा अगर अच्छा ट्रक लेके चल रहा है और अच्छे किलोमीटर निकाल रहा है, अच्छे माइल्स निकाल रहा है और अच्छे उसका रेट भी है, तो वो अराउंड $12,000 तो आराम से बचा लेता है सब कुछ खर्चा निकालने के बाद। पिछले रेट में बताया था आपको 13,500, वो मैंने मिनिमम लेके चला था और रेट है 160 के हिसाब से रेट लगा लो आप, ठीक है। और आपने लगाए 12,000 माइल्स तो आपके बने $19,000। उसमें से आप अगर 5,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट और किस्ते भी निकाल दोगे, फ्यूल भी निकाल दोगे ना, 7,000, फिर भी आपके पास $12,000 बचते हैं। और नेक्स्ट वीक में बताऊंगा कि ट्रकिंग में पीआर कैसे होती है, कौन से तरीके हैं और कितने टाइम में होती है और कितना पैसा लगता है पीआर करने में ट्रकिंग में। जिस भाई को देखनी है ये टॉपिक पे वीडियो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना यार, ताकि आपको वो वीडियो मिस ना हो। तो ये थी आज की वीडियो, कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, मैं ट्राई करूंगा उस पार्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपने अपने परिवार का ख्याल रखना, बाय।